वेलकम टू स्मार्ट स्टूडेंट्स वर्ल्ड इनकी नम्बर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेरे बचपन के दिन नाइन्थ क्लास लेसन एक्सप्लेनेशन पाकल मेरे बचपन के दिन इन कुलंदे पर्वतोड अंद अब मेरे बचपन के दिन लेसन एल्द महादेवी वर्मा इवेंगे उत्तर प्रदेश फरुखाबाद पवे गेल्स लड़कियों के शिक्षा के लिए गेलसोड़े एजुकेशन पति एजुकेशन ना पोराड़ा नया वो कुे पर्वतोड़ चयक यापकते लेसन एल्ड लेसन पांग बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। बचपन की स्मृतियाँ ना वो नम चयक रोम विचित्रमा और आकर्षण विचित्रमान और आकर्षण आकर्षण ना और अट्रैक्शन कभी कभी लगता है चल टाइम नमुको जैसे सपने में सब देखा होगा नमे नम्मलोड़े कनवल एल्लामें पात्रुक्रो तोनू परिस्थितियां सिचुएशन मानिटे पोर मादरी इरुको अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। अपने परिवार में ना एंगलोड़े फैमिली ले ना वंदे नरिया पीढ़ी अभी ना नरिया तलमुरे कपरंदा ना पोरंदे उत्पन्न हुई अभी पोरंदे। मेरे परिवार में प्राय दो सौ वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। इरनूर वर्षमा 200 इयर्सा उंगलोड़े परिवार उंगलोड़े फैमिली ले पोन कोलंदे पोरंदे इले ना कोर पोरंदपवे अंद टाइम कुलंदे पोन कुलंदे अदे कोंडु पोट्टुवांगा। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। केटरना टू हंड्रेड पड़े मुना अगले परमधाम भेज देते कोटा फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। अगर नरिया दुर्गा पूजा की दुर्गा पूजा पड़ा हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। कुलदेवी अगले दुर्गा मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उनको पर्दू रंब एलोमें सन्ोषपा रब वर्ष और पंड कुे महादेवी वर्मा रोम ना पाकटा अवे मादी रोमद पार्शालिटी नया पसंद पार्शालिटी नया अंदमि सिचुवेशन उ पाक वरल अंदमि सिचुवेशन परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। फैमिले ताता वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। पिता फादर वो इंग्लिश पढ़चर हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। हिंदी अंद हिंदी और पेसर मादी अगर यारमें हिंदी यूस पड़े अंत टाइम मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। जबलपुर अम्मा वर्दाल जबलपुर जबलपुर हिंदी तेनाल हिंदी अगकूँ वंदरच वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। अगर रोम भक्तिया पूजे पड़िटा पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। फर्स्ट फर्स्ट अगर महादेवी वर्मा को अम्मा पंचतंत्र कथेला चलिका बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। बाबा ना ताता चलिटा इवंक नम विदुषी विदुषी अब ना टेलेंटड ना पर आकड़ो अब मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था। अगले पति नम रचार विचार बहुत ऊंचा था अब हाई लेवल थिंक पड़िटा इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने संस्कृत भी पढ़ी। पंचतंत्र पढ़चिटा अपने संस्कृत समस्कृतमों पढ़चिटा ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ।
அவங்க வந்து என்ன நினச்சிட்டாங்க, இவங்க வந்து சம்ஸ்கிருதம் மட்டும் இல்லாமல் உருது ஃபார்சி இது ரெண்டுமே படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. லேக்கின் வஹ மேரே வஷ்கினை ஜி, ஆனால் அவங்களுக்கு அது அந்த மகாதேவி வர்மாவுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கல. மேனேஜர் ஏக் தின் மௌல்வி சாஹப் கோ தேகா தோ பஸ் தூசரே தின்மே சார்பாய்க்கே நீச்சே ஜாப்பி சிப்பி. மௌல்வி சாஹப் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஃபார்சி சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக வந்தாங்க, ஆனால் அவங்கள பார்த்ததும் இவங்க போய் டேபிளுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சு உட்காந்துட்டாங்க. தப் பண்டிஜி ஆயே சம்ஸ்கிருத் படானே, அதுக்கப்புறம் பண்டித் வந்துட்டாங்க சம்ஸ்கிருத்தை படிக்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. மா தோடி சம்ஸ்கிருத் ஜாந்தித்தி, அவங்க அம்மா கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத்தை தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்க. கீதாமே உன்னே விசேஷ் ருச்சித்தி, இது பகவத்கீதையில் அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. பூஜா பாட்கே சமயம் மேபி பெட் ஜாத்தியத்தி, பூஜையெல்லாம் பண்ணும்போது இவங்களும் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. யார் இந்த மகாதேவி வர்மா. ஆர் சம்ஸ்கிருத் சுந்தித்தி, அவங்க உட்கார்ந்துட்டு சம்ஸ்கிருதம் கேட்டுட்டு உட்காந்துருப்பாங்களாமா. உன்கே உபராந்த் உன்ஹோனே மிஷன் ஸ்கூல்மே ரக் தியா முஜ்கோ, அதுக்கப்புறம் அவங்க மிஷன் ஸ்கூல், மிஷன் தான் இந்த கிறிஸ்டியன் மிஷன் கான்வென்ட் இருக்கு இல்லையா, அங்கே அவங்களை சேர்த்துட்டாங்க. மிஷன் ஸ்கூல்மே வாத்தாவரணம் தூசரா தான், அங்கே வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன் மாறி இருந்தது. அங்கே இருக்கிற அவங்களோட பூஜை, அவங்களோட மதம், அவங்களோட ரிலீஜியன் வேறு இருந்தால பிரார்த்தனா தூசரித்தி, அவங்க வேறு விதமாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மேரா மன்னஹி லக்தா லகா, அவங்களுக்கு அந்த மகாதேவி வர்மாக்கு அங்கே பிடிக்கல. வஹா ஜானா பந்த் கர்தியா, மகாஜானா பந்த் கர்தியா, அவங்க அங்கே போகிறது நிறுத்திட்டாங்க. ஜானேமே ரோனே தோனி லகி, அங்கே போகிறதுக்கு அழக போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தபுனோனே முஜுக்கோ கிராஸ்த்வெட் கேர்ள்ஸ் காலேஜ்மே பேஜா, அதுக்கப்புறம் அவங்க கிராஸ்த்வெட் காலேஜில் அவங்கள அனுப்பிட்டாங்க. ஜஹாமே பாஞ்ச்வே தர்ஜேமே பர்த்தி ஹுய், அப்படின்னா ஃபிஃப்த்துக்கு அவங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. யஹாக்கா வாத்தாவரன் பகுத் அச்சா தான், அங்கத்தோட சுச்சுவேஷன் அங்கத்தோட அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்களுக்கு. அச்சா தா உஸ் சமய் ஹிந்து லடுக்கியா பீதி, அங்கே வந்து ஹிந்து கேர்ள்ஸும் இருந்தாங்க, இசாயி லடுக்கியா பீதி கிறிஸ்டியன்ஸ் கேர்ள்ஸும் இருந்தாங்க. ஹம் லோகோ கா ஏக் ஹி மெஸ் தா, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரே ஒரு மெஸ் தான் இருந்துருச்சு. உஸ் மெஸ் மே பியாஸ் தக் நெஹி பந்தா தா, அங்கே வந்து அந்த மெஸ்ஸில் வந்து ஆனியன் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, வெங்காயம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வஹா சாத்ரவாஸ்கே ஹர் ஏக் கம்ரே மே ஹம் சார் சாத்ராயே ரஹதீதி, அங்கே ஹாஸ்டலில் அவங்க வந்து ஒரு ரூமில் நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. உண்மை பெஹ்லி ஹி சாத்தின் பெஹ்லேஹி சாத்தின் சுபத்ரா குமாரி மிலி, அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரெண்டு அவங்களுக்கு சுபத்ரா குமாரி, சுபத்ரா குமாரியும் ரைட்டர் தான், பெரிய ரைட்டர் தான், அவங்கள கிடச்சாங்க. சாத்வே தர்ஜேமே வே முஜ்சே தோ சால் சீனியர் தி, அங்கே அவங்களோட மகாதேவி வர்மாவோட 2 வருஷம் சீனியர் இருந்தாங்க. வே கவிதா லித்திதி, அவங்க வந்து கவிதை வந்து எழுதிட்டு இருந்தாங்க, போயட்டாக இருந்தாங்க இல்லையா, போயட்டஸாக இருந்தாங்க, போயம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க. அவர் மேபி பச்பன்ஸே துக் மிலாத்தி ஆயித்தி, அப்படின்னா அவங்களும் அந்த கவிதை எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சின்ன வயசுல. பச்பன் மே மா லிச்சிச்சி, அவங்க அம்மாவும் சின்ன வயசில் எழுதிட்டு இருந்தாங்க. பத்மி காதிச்சி, அவர் பாட்டும் பாடிட்டு இருந்தாங்க. மீரா கே பத் விசேஷ் ரூப்ஸே காத்தித்தி, மீரா பஜன் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக அவங்க பாடிட்டு இருந்தாங்க. யார், இந்த மகாதேவி வர்மாவோட அம்மா. சவேரே ஜாகியே கிருபா நிதான பஞ்சி பன் போலே, இது வந்து மீரா பாயோட பஜன். எஹி சுனா ஜாதா தா, அவங்க காலையில் இந்த பாட்டு தான், இந்த பது தான் பாடிட்டு இருந்தாங்க. பிரபாதி காத்தித்தி காலையில் பாடிட்டு இருந்தாங்க. ஷாம் கோ மீராக்கா கோயி பத் காத்தித்தி, ஆர் ஷாம் ஈவினிங் ஆகும்போது மீராவோட வேறு பத் வந்து பாடிட்டு இருந்தாங்க. சுன் சுனாக்கர் மேனே பி பிரிஜ் பாஷாமே லிக்னா ஆரம்பிக்கியா, இது வந்து மீரா பஜன் கபீர் கபீரோட தோகை இதெல்லாம் வந்து பிரிஜ் பாஷாவில் தான் இருக்கும். இவங்க வந்து இந்த மகாதேவி வர்மா வந்து பிரிஜ் பாஷாவில் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இந்த லாங்குவேஜிலும் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யஹா ஆக்கர் தேகா கி சுபத்ரா குமாரி ஜி கடி
होली में लिखी थी सुभद्रा कुमारी वह साधारण लैंग्वेज मई भी वैसाई लिखने लगी अदक महादेवी वर्माओ अरमचा लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी अगर वह रोम फेमस प्रतिष्ठित हो चुकी थी रोम फेमस उनमें उनसे चिपा चिपा कर लिखती थी मैं अवे वह महादेवी वर्मा वह एलिटा एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो और नाव केटा महादेवी नहीं वह कविता एलिया तो मैंने डर के मारे कहा उनका नहीं अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से अदक डेस्क पाकोद महादेवी वर्मा एना कविता तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं तप पड़वक पिछड़ मादी रेड हैंडा पिछड़ा ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है अदक हॉस्टलवे महादेवी वर्मा वह कविता फिर हम दोनों की मित्रता हो गई अदक फ्रेंड्स आईटा क्रास्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी अगर कॉलेज वह और मरत और ब्रांच वो कीड़े रहा कीड़े तंगिटीर उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे अंद ब्रांच उठा जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे एल कुंडो इवें रे मट कविता तुक मिलाने तुक मिलान अब कविता उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण उसी में बेच देते थे अंत टाइम और पत्रिकोड़े पेर वो स्त्री दर्पण अवे कविता अट्ठे कविता वो पब्लिश आईटर अपनी तुपंदी छप जाती थी तुपंदी अंत कविता वो पब्लिश आईटर फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे कवि सम्मेलन नरिया कवि कवियत्री पोएट पोएटा सर्दी सम्मेलन अवग वह पटा हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था प्रचार प्रसार रोम हिंदी फेमसा मैं सन 1917 में यहाँ आई थी उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया अगर वो 1917 इंवे वा गांधीजी सत्याग्रह स्टार्ट आचे और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया और आनंद भवन वर्द अंत स्वातंत्र संघर्ष और केंद्र वाइट मारीच जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था हिंदी प्रचार कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी मैडम वह अगले कवि सम्मेलन कूटा हम कविता सुनाते थे अगर वह कविता पावा कभी हरिओत हरिओत जी अध्यक्ष होते थे हरिओत अध्यक्ष आईटा प्रेसिडेंट आईटा अंत कवि सम्मेलन कभी श्रीधर पाठक होते थे कभी रत्नाकर जी होते थे कभी कोई होता था यारोरिया अंत कवि सम्मेलन अध्यक्ष आईटा कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे पेर कूपट्र वरीक वो इंट्रस्टोड़ केटेपा मुझको प्राय समय पुरस्कार मिलता था चल टाइम प्राइजा कटिटी सो सौ से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें अंत कवि सम्मेलन हंड्रेड पदक पदकना मेडल वो कड़चिटी अब एक बार की घटना याद आती है और दड़वे एना आचना एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरी मिला अगर और कविते पोएट को वो चांदी का कटोरा अंत सिल्वरोड और पात्र कड़चिच बड़ा नकाशीदार सुंदर रहा अलग उस दिन सुभद्रा नहीं
गई थी अंद टाइम प्राइस कड़िक्कुम्बोधु सुभद्रा कुमारी अंगे वरले सुभद्रा प्राय नहीं जानती थी कि कवि सम्मेलन सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा देखो यहाँ मिला अगर वन सुनांगा ऐने किंगी द कड़चिरचु अपनी सुनांगा सुभद्रा ने कहा ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ अपने सुभद्रा कुमारी ऐने सुनांगना नल्लद अब तुम एक दिन और नाल पायसम से पात्र अब उसी बीच आनंद भवन में बापू आए अंद टाइम आनंद भवन को वह महात्मा गांधी जी वंटा हम लोग तब अपने जेब खर्चा में से एक एक दो दो आने देश के लिए बचा देते अंद टाइम इवें पड़िटा अगर पॉकेट मनी और आना रे आना सेती वैचटा अंत स्वातंत्र इंडिपेंडेंट पोराटे यूज आग अश अगर सेती वैचटा और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे अगर वो महात्मा गांधी वरबद अवतटा उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई அவங்க வந்து ஒரு அந்த டைம் வந்தப்போ மகாத்மா காந்தியை பார்க்கும்போது அந்த வெள்ளியோட பாத்திரவும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க மேனே நிகால்கர் பாபுக்கோ திகாயா இது வந்து மகாத்மா காந்திக்கு அவங்க வந்து காமிச்சு கொடுத்தாங்க மேனே கஹா கவிதா சுனானே பர் முஜ்கோ யா கட்டோரா மிலா ஹே எனக்கு கவிதை பாடினதுக்கு இது கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க கஹனே லகே அச்சா दिखा तो मुझको अब महात्मा गांधी नल्लद कामी पात्रते अब मैंने कटोरा उनकी और बड़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले काम चपांग तू देती है इसे इतने कुड़क्रिया अब मैं क्या करती ना मुनाल अब महादेवी वर्मा सुलरा मैंने दे दिया कुटा और लौट आई अगर तिरपी वंटा दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है अगर नैचांगा कटोरा अंत पात्रते कविता एं कवि नहीं पाड़ने अब कविड़ी पाड़ों अब ना आना पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा आना அந்த கவிதையை சொல்கிறதுக்கு மகாத்மா காந்தி சொல்லவே இல்லை லவுட்கர் அப் சுபத்ராஜி சே கஹா கி கட்டோரா தோ சலா கயா சுபத்ராஜினே கஹா அப்போ இவங்க சொன்னாங்க சுபத்ராஜி சுபத்ரா குமாரிக்கிட்டே வந்துட்டு அந்த கட்டோரா வந்து பாத்திர போயிருச்சு இப்படி மகாத்மா காந்திஜி கேட்டாங்க நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சுபத்ராஜினே கஹா சுபத்ராஜி என்ன சொன்னாங்க ஆர் ஜாவோ திகானே இனியும் போய் காமிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிரு ஃபிர் போலி देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी अब इंग पार नी वो उन को पायसम से आगण अब चाहे पीतल की कटोरी में खिला अब वो नहीं अदको अंत वो पात्र पोचलिया पीतल पीतलना पीतलो अंत पात्र कुछ पर्वल नहीं वो पायसम से आगण अब नेक्स्ट वीडियो लेसन कंटिन्यू पड़े Thank you.